आइए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 27, 24, 21 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, यह हमको ज्ञात करना है। अब श्रेणी, अब समांतर श्रेणी को ध्यान से देखिए, 27, 24, 21 डॉट डॉट डॉट, तो आप श्रेणी देख रहे होंगे, इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है बच्चों, प्रथम पद 27, ए बराबर हमने 27 मान लिया। सार्वंतर को डी से इंडिकेट करते हैं तो सार्वंतर हो जाएगा डी बराबर, दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए 24 ऋण 27 कर दीजिए, या तीसरे में दूसरे घटा दीजिए तो हमको मिलेगा ऋण 3, ये सार्वंतर मालूम हो गया। अब चूंकि प्रश्न में दिया है दोस्तों बच्चों कि श्रेणी का एनवा पद शून्य है, बच्चों श्रेणी का एनवा पद शून्य है, श्रेणी का एनवा पद क्या है, शून्य है, अर्थात ए एन बराबर जीरो होगा। और ए एन का फार्मूला आप सबको पता है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर जीरो। अब ए कितना है बच्चों यहाँ पर 27, ए कितना है 27, धन एन का मान हमको ज्ञात करना है, डी आपने ऋण 3 मालूम किया बराबर जीरो। 27 को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, एन माइनस वन माइनस थ्री इंटू में है ये 27 उधर पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 27 हो जाएगा। एन माइनस वन ये गुणा में है बच्चों, उधर पक्षांतर होगा तो ये भाग हो जाएगा, ऋण 27 बटे ऋण 3, ऊपर नीचे दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगी, अर्थात एन माइनस वन बराबर 3 से 10 7, 27 को भाग करेंगे तो 3 निया 27, 9 बार में जाएगा बच्चों। एक को फिर पक्षांतर कर देंगे तो 9 धन 1 हो जाएगा, 9 और 1 होता है 10, 9 और 1 कितना होता है बच्चों 10, अतः श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। तो हमारा प्रश्न यही था कि दिए गए श्रेणी 27, 24, 21 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारा उत्तर आया श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। आइए बच्चों एक और प्रश्न बनाते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। बच्चों प्रश्न है समांतर श्रेणी 950, 900, 850 डॉट 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 का एमवां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, एमवां पद। दी गई श्रेणी में श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 950 दिया हुआ है प्रश्न में, 950 ए बराबर। सार्वंतर को हम डी से इंडिकेट करते हैं, सार्वंतर डी बराबर आप दूसरे पद में प्रथम पद को घटाकर या तीसरे पद में दूसरे पद को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 900 में हम 950 को घटा दें तो हमें मिलेगा ऋण 50, ये हमको सार्वंतर प्राप्त हो गया। क्योंकि एनवा पद का फार्मूला आप सबको पता है बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये एनवा पद का फार्मूला है। अब एन चूंकि हमको प्रश्न में एमवा पद पूछा है तो हम एन की जगह रख देंगे, एम बराबर ए प्लस, और ए का मान क्या है बच्चों 950 धन, एन की जगह में हो जाएगा एम क्योंकि एमवा पद प्रश्न में पूछा है, और डी का मान है ऋण 50, इस तरह से हम यहाँ पर मान रख देंगे बराबर 950 धन ऋण 50 गुणा ऋण एम से करेंगे तो हमको मिलेगा ऋण 50 एम, ऋण 50 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो हमको मिलेगा धन 50। अब चूंकि कोष्ठक के बाहर में धन है तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 50 एम धन 50। 950 और 50 को जोड़ दो बच्चों क्योंकि दोनों समान सजाती हैं, तो 950 और 50 को जोड़ने से हमको मिलेगा 1000 ऋण 50 एम, तो 1000 ऋण 50 एम जो हमको प्राप्त हुआ ये श्रेणी का एमवा पद है, और यही प्रश्न में हमको पूछा गया था कि श्रेणी का एमवा पद क्या होगा, तो यही हमारा आंसर है। आइए बच्चों एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है बच्चों दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान हैं यदि इनके 99 पदों का अंतर 99 है तो 999 पदों का अंतर क्या होगा हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है, कितने समांतर श्रेणी है बच्चों, दो समांतर श्रेणी, तो हमको दोनों को मानना पड़ेगा। माना कि दो समांतर श्रेणी एक को हम मान लेते हैं A1, A2, A3 इस तरह से हम मान लेते हैं AN तक, और दूसरे को हम मान लेते हैं B1, B2, B3 डॉट 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 ये BN तक,
इस तरह से हमने दो समांतर श्रेणी मान लिया। अब दोनों श्रेणियों का समांतर समान है बोल रहा है तो मानना पड़ेगा, चूंकि माना दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, जिसको हमने डी मान लिया, सार्वंतर डी है, हमने ऐसा मान लिया, माना कि दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी है, इसलिए इनमें पद का अंतर, इनमें पद का अंतर कैसा होगा बच्चों, ए एन माइनस बी एन। ए एन का मान आपको पता है, ऊपर में दिख रहा होगा आपको, ये ए एन तक और ये बी एन तक, अंतर में घटाएंगे, इस पद को इस पद से माइनस कर देंगे, अर्थात ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया माइनस बी वन प्लस एन माइनस वन डी, ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे बराबर। अब देखेंगे इसको हम हल करते हैं, ए वन प्लस कोष्ठक हटा दिए हम, एन माइनस वन डी माइनस, यहाँ पर हम ए बी वन है बच्चों, बी वन ये माइनस हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन डी, ये इस तरह से। अब देखिए बच्चों ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, ए वन माइनस बी वन, ये हमको मालूम हो गया। अब ए वन माइनस बी वन मिला, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 99 पदों का अंतर, इसलिए हम कह सकते हैं कि 99 पदों का अंतर यदि 99 है, अर्थात ए वन माइनस बी वन बराबर 99 है, तो 999 पदों का अंतर, 999 पदों का अंतर भी ए वन माइनस बी वन बराबर 99 ही होगा। ये इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है कि 999 पदों का अंतर 99 होगा। बच्चों अब हम चलते हैं समांतर माध्य की ओर, समांतर श्रेणी में समांतर माध्य है। मान लीजिए तीन राशियां हैं, अब वो तीन राशियां हैं, एक को हमने मान लिया स्मॉल ए, दूसरा हमने मान लिया कैपिटल ए, और तीसरा हमने मान लिया स्मॉल बी। ये तीन राशियां हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच की राशि ए को दो राशियों ए और बी का हम समांतर माध्य कहते हैं, एरिथमेटिक मीन कहते हैं। चूंकि ए कैपिटल ए बी समांतर श्रेणी में है, इसलिए सर्वांतर समान होंगे, अर्थात ए माइनस ए बराबर बी माइनस ए, ये इस तरह से होगा, क्योंकि सर्वांतर समान होता है, पदांतर समान होता है। अब हम पक्षांतर कर देंगे, ए माइनस ए को अपने साइड हम पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस ए, बच गया इधर बी, माइनस ए दूसरे तरफ पक्षांतर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस ए। समझ में आ रहा है बच्चों, अब इस ए और ए को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको मिलेगा दो ए, इधर इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे ए प्लस बी के रूप में। अब हम दो को हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए धन बी बटे दो। इस तरह से हमको समांतर माध्य का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो राशियों का समांतर माध्य, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अतः हम कह सकते हैं कि दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है, उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है, बटे दो यहाँ पर दिख रहा होगा। आइए बच्चों हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। प्रश्न है, कर्णी दो धन एक और कर्णी दो ऋण एक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य क्या होगा। अब यहाँ हम एक को हम प्रथम पद, एक को हम पहला पद ए मान लेते हैं, कर्णी दो धन एक को, और दूसरे को मान लेते हैं बी, दो राशियां ए और बी मान लेते हैं, ये इस तरह से, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है, हमको दिया हुआ है। अब चूंकि समांतर माध्य का सूत्र अभी आपने मालूम किया है, समांतर माध्य का सूत्र होता है ए धन बी बटे दो, ये होता है। अब एक मान आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कर्णी दो धन एक, कर्णी दो धन एक, और बी का भी मान ज्ञात है हमको, कर्णी दो ऋण एक है, हमने दोनों मानों को रख लिया बटे दो। अब देखिए यहाँ प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, कर्णी दो और कर्णी दो बचा हुआ है, कर्णी दो धन कर्णी दो बटे दो। अब कर्णी दो और कर्णी दो को जोड़ेंगे तो दो कर्णी दो मिलेगा बटे दो, ये दो दो फिर भाग हो गया, बचा आपका कर्णी दो, क्या बचा बच्चों, कर्णी दो, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। अगला उदाहरण है, अगला प्रश्न है, एक बटे दो और ऋण एक बटे दो का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हम इसको एक पद मान लेते हैं ए एक बटे दो, और दूसरा हम मान लेते हैं बी ऋण एक बटे दो,
तो पहली संख्या a बराबर 1/2, दूसरी संख्या b बराबर ऋण 1/2। अब हमको मालूम है समांतर माध्य का सूत्र होता है a धन b बटे दो। मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट मारा देता हूँ, a धन b बटे दो, ये इस तरह से। अब आप देख रहे होंगे 1/2, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो ऋण हो जाएगा 2/2। अब ये धनात्मक है ऋणात्मक है, दोनों घटाने से 0 प्राप्त होगा, और 0 को 2 से भाग कर दें तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य 0 होगा, यही हमारा आंसर है। आइए बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक्स स्क्वायर धन 3xy और वाई स्क्वायर ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पहली संख्या a बराबर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर धन 3xy को, और दूसरी संख्या हम b मान लेते हैं वाई स्क्वायर ऋण 3xy को। अब समांतर माध्य का हमको सूत्र लगाना है। समांतर माध्य का सूत्र आपको पता है बच्चों, दोनों पदों का योग 2। पहली संख्या है एक्स स्क्वायर धन 3xy धन दूसरी संख्या b का मान है वाई स्क्वायर ऋण 3xy, ये हमने रख दिया, पूरे का 2। हमने पूरे का 2। अब देखिए 3xy धनात्मक है, 3xy ऋणात्मक है, वो कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, ये बचा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2। अब ये जुड़ भी नहीं सकता और घट भी नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर 2। तो इस तरह से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं।